इंस्टेंट फ्रूट एंड नट मफिन्स। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? ढेर सारे फ्रूट चाहिए, ढेर सारे नट्स चाहिए और इंस्टेंट बनानी है, तो हम बिस्किट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या लगने वाला है। तो इसके लिए मेरे पास चेरी है, ग्रेप्स है, काले अंगूर है, ये थोड़े रेजिन है या किशमिश है, काजू है, बादाम है या आलमंड्स, ये मेरे पास वॉलनट अखरोट है, थोड़ा सा वनीला एसेंस का हम इस्तेमाल करेंगे, दूध है, ये फ्रूट सॉल्ट है, इसके अलावा हमारी बिस्किट है और ग्लूकोज। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट है, तो ये हमारी बिस्किट ले लेता हूँ मैं 40 ग्राम के करीब, 40 से 50 ग्राम हमारी बिस्किट ले लें आप और तोड़ लेंगे। ये ग्लूकोज बिस्किट हमने मारी बिस्किट जितने लिए उससे हाफ क्वांटिटी में दिए हैं, अगर आप चाहें ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो सेम क्वांटिटी में ले लें। इसके अलावा ये मेरे पास चॉकलेट बिस्किट है, ये भी मैं डाल देता हूँ क्रश करके, एक या दो ही डाल रहा हूँ बस फ्लेवरिंग के लिए, ये चॉकलेट बिस्किट भी डालिए। अब हमें क्या करना है, सबको ग्राइंड कर लेना है, हींग पीस लेना है, हमारा बिस्किट का मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हम इसमें मिक्स करेंगे दूध ताकि एक बैटर की शक्ल में आ जाए, बहुत थोड़ा मिलाने थिक बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम 2-3 बूंदे वनीला एसेंस, ये अच्छा सा फ्लेवर देगा हमारे फ्रूट एंड नट मफिन्स को। पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो अब हमें क्या करना है, ये मेरे पास वॉलनट है, इसको मैं कट कर लेता हूं, साथ में आलमंड्स हैं, इनको भी बारीक बारीक कट कर लें आप तरह से। एक काजू है मेरे पास, काजू भी मैं कट कर लेता हूं। और ये रेजिन है, ये रेजिन भी थोड़ी सी मैं कट कर लेता हूं इसी तरह से। ये नट्स हम काट लेते हैं सारे। और अब ये जो हमने नट्स काट के रखे हैं, काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, ये सारे के सारे जाएंगे इसके अंदर। नट्स डालने के बाद अब डालेंगे हम इसमें फ्रूट्स, ये अंगूर है, इसको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। बहुत ज्यादा फ्रूट्स नहीं डालने हैं, ऊपर से गार्निश कर सकते हैं आप फ्रूट से, काफी ज्यादा जूसी होते हैं। काले अंगूर है, ये भी मैं डाल देता हूँ इसमें छोटे काट के। ये फ्रूट और नट्स हमने इसमें डाल दिए, ये मेरे पास चेरी है, चेरी भी डाल देता हूँ इसके अंदर। ये सारे फ्रूट्स और नट्स हमने इसमें डाल दिए, अब इसको एक मिक्स कर दें अच्छी तरह से ताकि जो सारे फ्रूट्स हैं और नट्स हैं मफिन के बीच में आए। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें एक चम्मच दूध और लग जाएगा ताकि थोड़ी और स्मूथ कंसिस्टेंसी आ जाए इसकी। ये काफी स्मूथ हो गया है। अब हमें इसमें डालना है ये जो फ्रूट सॉल्ट है मेरे पास, ये फ्रूट सॉल्ट डालता हूं मैं इसमें, ये लगभग 1 चम्मच फ्रूट सॉल्ट इसमें डाल दें आप। और फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद ऊपर से डालेंगे हम दूध लगभग 1-2 चम्मच ताकि ये जो सॉल्ट है गैस क्रिएट हो जाए और जो हमारे मफिन्स हैं वो स्पंजी बन जाए। जैसे ये गैस क्रिएट हो जाए इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से, हल्के
के हाथों से बहुत जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है इसको, क्योंकि ये स्पॉन्ज हो जाएगा तो फिर आपके मफिन जो है वो स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। ये हमने हमारे बैटर को फोल्ड कर दिया है, काफी अच्छा स्पंज आ रहा है इसके अंदर। अब क्या करना है हमें, मोल्ड लेना है। मोल्ड है मेरे पास, मोल्ड लें और इसमें आधा ये बैटर बनाना है, ये हाफ बैटर बने और इसको रख लें, स्टैम्प में गार्निश करें। फिल करने के बाद गार्निश करते हैं चेरी के साथ और साथ में इसको गार्निश करते हैं अलग अलग फ्रूट और नट्स के साथ भी। तो ये सारा बैटर जो है हमने मोल्ड्स में डाल दिया है, अब इसको माइक्रोवेव में डालेंगे हम हाई आवर पे 2 मिनट। माइक्रोवेव का इंडिकेशन आ गया है, मतलब हमारी मफिन्स जो है वो एकदम तैयार हो गई है। तो चलिए इनको बाहर निकालते हैं। तो एकदम तैयार है आपकी इंस्टेंट फ्रूट एंड नट मफिन्स, जरूर ट्राई कीजिएगा।